रिवन फायर मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज आटोनगर में सैयद रहमत की सदारत में जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार संजय कुमार वाड़ेकर का प्रचार प्रोग्राम किया गया, जिसमें आटोनगर में काम करने वाले कई मजदूर और लारी मालिकान मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी के सभी लीडरान की गुलपोशी की गई। संजय कुमार वाड़ेकर ने प्रोग्राम में मौजूद अवाम से गुजारिश की कि 10 मई को होने वाले असेंबली इलेक्शन में इन्हें वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर इन्होंने अवाम से कई वादे भी किए। एक भी लारी हमारा महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट पे एक भी रुपया देगी नहीं, एक भी गाड़ी रुकेगी नहीं। जितना मैं वादा करता हूँ, और 24 घंटे आपके लिए मैं कभी भी रेडी हूँ आपके लिए आने के लिए। ये हम गए महीने ही करने वाले थे, ये मेरा टिकट फाइनल होने की वजह से टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो ये महीने से हम ये गाड़ियां सब फ्री करने वाले थे। तो मैं मोटर मालिकों को गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, मेरे को मुझे भरोसा रखे। और मैं आप मोटर मालिक है, किसी का बिजनेस अड़चन में नहीं लाना चाहता हूँ। मैं किसी को बेवजह गाड़ी रुक गया और उधर से तकलीफ दे रहे हैं, इधर से तकलीफ दे रहे हैं, ये होने नहीं दूंगा। वो करूँगा तो पूरा प्लान करके पूरा जमीन से उसको उखाड़ के एक भी गाड़ी मेरे बसों के की गाड़ी वहाँ पे रुकने नहीं मिलना, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और खुले आम से अगर कोई यहाँ पे मोटर मालिक है, बात करना चाहते हैं, तो मुझे पूछ सकते हैं साहब, आप कैसा कर सकते हैं, कैसा नहीं, क्या नहीं, क्या कुछ भी आपके मन में अगर शंका है, डाउट्स है, तो मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं मुझे मालूम है वहाँ पे पूरा कैसा करना है, मैं कर सकता हूँ। ये कर सकता हूँ इसलिए कि वो डिपार्टमेंट का मैंने 25 साल ऑफिसरगिरी काम किया, मेरी पार्टी भी ऐसा ही, और मैं भी ट्रांसपोर्ट फील्ड में कितने कई ट्रांसपोर्टर्सों को मैंने हेल्प करने के बावजूद आज हम हमारा वोट मांग रहे हैं। तो मैं सभी मोटर मालिकों को विनती करता हूँ, देखो आपका परिवार का MLA अगर बन जाए तो आपके गाड़ियां, मैं बोल रहा हूँ, आपके गाड़ियां दिल्ली से पकड़कर कन्याकुमारी तक मैं रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि वो पावर है। अगर वो पावर जो आपको दिलाते हैं तो गाड़ियां आपके दिल्ली से कन्याकुमारी तक मैं रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी नस मुझे मालूम है, कौन रोकता है वो ऑफिसर, उसकी नस मुझे मालूम है। अगर ये पावर नहीं भी मिलता है मुझे तो मैं बसों कल्याण के लारिया ये उम्र का चेक पोस्ट का तो ये तो पक्का है कि अगले महीने से मैं फ्री कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लीडर बनना है। मैं किसी भी कोई आते मुझे मेरे पीछे आते नहीं आते मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई तो कोई ट्रांसपोर्टर खड़ा रहेगा, पहले उनकी गाड़ियाँ फ्री कर दूंगा, फिर जो अननेसेसरीली क्यों आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्यों मस्का लगा रहे हैं, तुम्हारा लीडर तुम्हारे सेवा देने के लिए, सर्विस देने के लिए तैयार है, तो ये मेरी विनती आप मान के मुझे एक छोटी सी मैं विनती करता हूँ, आप या ऑटो नगर के आप वोट डालने में से नहीं है, आप वोट टर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप एक मोटर मालिक के पास अगर 10 भी लारी है तो कम से कम एक लारी के पीछे 10 एम्प्लॉय रहते हैं, 10 एम्प्लॉय के पीछे, एक एक एम्प्लॉय के पीछे 10-10 वोट भी अगर बोले तो ऐसा एक बड़ा संख्या खड़ी हो जाती है। तो आप बड़े ताकतवर लोग हैं, और तुम्हारे परिवार का लड़का आज इस इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो इसको आप थोड़ा आशीर्वाद करेंगे। ये आने वाले कल 10 तारीख को 4 नंबर पे मेरा सीरियल नंबर है, ये घास के पुलिस के बटन दबाने को लगाकर मुझे विजयी कर आपकी सेवा करने का, किस्मत करने का मौका दीजिए। इतना मुझे मेरे दो शब्द से मैं करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय जेडीएस।